नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए भारत मौजूदा समय में उपलब्ध सीमित माध्यमों की तरफ नहीं बढ़ रहा है। भारत वैक्सीन के लिए सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारी ने कहा, वे सभी तरह की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, जैसे वैक्सीन की कीमत क्या है, कितना कारगर है, वैक्सीन के लिए संक्रमितों का चयन कैसे किया जा सकता। अगर हमारे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन आती है तो हम इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही इस पर फैसला ले सकेंगे। रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। गुरुवार सुबह से ही पूरे राज्य में जगह जगह लगातार बारिश हो रही है, जिससे रांची धनबाद समेत कई इलाकों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवा बारिश से बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले दो दिनों तक बारिश होती रहेगी। एक सप्ताह के अंदर बच्चों को किताब बांटे शिक्षक, नहीं तो वेतन होगा बंद। झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सप्ताह के अंदर किताबें नहीं मिली तो शिक्षकों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला को इसके लिए अल्टीमेटम भेज दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षक 7 दिनों में सभी बच्चों का किताब पहुंचाना सुनिश्चित करें। झारखंड में आज 517 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 114, धनबाद 84, पूर्वी सिंहभूम 61, पलामू 44, रामगढ़ 30, पश्चिमी सिंहभूम 26, बोकारो 22, खूंटी 19, गुमला 12, लातेहार 12, सिमडेगा 12, गढ़वा 11, हजारीबाग 11, सरायकेला 11, देवघर 11, कोडरमा 9, दुमका 7, लोहरदगा 7, जामतरा 5, चतरा 3, गोड्डा 2, गिरिडीह 2, साहेबगंज से 2 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 26,938 है, जबकि 17,320 लोग स्वस्थ हुए और 286 की मृत्यु हुई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 29,04,329 है, जबकि 21,57,441 लोग स्वस्थ हुए और 54,975 की मृत्यु हुई है। भारत में नए केस 68,507 मिले हैं, जबकि 61,873 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। गुरुवार को राज्य में 8 की मौत हुई है, जो जमशेदपुर से 6, बोकारो से 1, रांची से 1 की मौत हुई है। गुरुवार को 754 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस इस प्रकार हैं, रांची 2575, पूर्वी सिंहभूम 2368, धनबाद 428, पलामू 395, सरायकेला 325, हजारीबाग 316, रामगढ़ 313, कोडरमा 242, गुमला 231, लातेहार 216, साहिबगंज 206, खूंटी 204, पश्चिमी सिंहभूम 202, बोकारो 188, सिमडेगा 176, गिरिडीह 154, देवघर 141, चतरा 127, लोहरदगा 122, दुमका 111, गढ़वा 91, पाकुड़ 86, गोड्डा 60, जामतरा से 55 एक्टिव हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। राज्य को यह खिताब 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्य की कैटेगरी में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री भी सम्मिलित थे। बता दें कि सर्वेक्षण में देश भर के 4,041 शहरों ने हिस्सा लिया था। कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं को सशक्त करेंगे शिक्षक। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल की छात्राओं को सशक्त करेंगी। इसके लिए इन स्कूलों के शिक्षकों को राज्य सरकार प्रशिक्षित करेगी, ताकि वह छात्राओं को मोटिवेट कर सके। कस्तूरबा की छात्राओं को एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों ने वार्ता होने तक सामूहिक इस्तीफा टाला। राज्य में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 25वें दिन भी जारी रही। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा पूर्व में घोषित 20 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देने के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया है। संघ ने वार्ता होने तक सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। साथ ही जब तक लिखित समझौता नहीं होगा, हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। 9वीं कक्षा छात्रवृत्ति लेने के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को 31 अक्टूबर तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन देना होगा। राज्य के 1552 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सफल रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। आवेदन देने के लिए सफल छात्र छात्राओं को एक फोटो, पासबुक की छाया प्रति और आय प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदकों का सत्यापन संबंधी स्कूल व जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराया जाएगा।
बता दें कि इसके बाद छात्रों को नवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिल सकेगी। लक्षण दिखे तो जांच कराए, मास्क पहनकर ही निकले सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से कहा है कि वे घर में मास्क पहनकर ही बाहर निकले, कोरोना का लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर दिन हम कोरोना से संघर्ष में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बुधवार को सिर्फ रांची में 10,000 से अधिक टेस्ट किया गया। अवरक खनन की प्रक्रिया शुरू करने में झारखंड केंद्र सरकार से तकनीकी सहायता मांगेगा। अवरक खनन के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित तकनीकी समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। अपर भूतत्व निदेशक विजय कुमार ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवरक खनन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। मैनहट कंपनी मामले में एसीबी ने मांगी जाँच की अनुमति। मैनहट कंपनी को सीवरेज ड्रेनेज निर्माण में परामर्शी बनाने में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसीबी ने राज्य सरकार से इजाजत मांगी है। एसीबी ने इस संबंध में मंत्रिमंडल निगरानी व सचिवालय विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। लोहरदगा में खुलेआम घूम रहे जंगली हाथी। लोहरदगा जिला में जंगली हाथी आजकल खुलेआम घूम रहे हैं। अचानक सड़कों पर जंगली हाथी के आने से लोगों में कौतूहल हो जा रही है, पर इनके तांडव से वाकिफ स्थानीय लोगों में भय का माहौल भी दिख जाता है। बता दें कि गुरुवार 20 अगस्त को सुबह शहर के मुख्य पथ गुदरी बाजार इलाके में दो जंगली हाथी पहुँच गए। इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 100 दिन का रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता के लिए करें आवेदन। मनरेगा की तर्ज पर शहरी मजदूरों को अब रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया है। बता दें कि अकुशल श्रमिक को एक वित्त वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। निबंधन के 15 दिन में यदि रोजगार नहीं मिला तो श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। योजना से गरीबी रेखा के नीचे रह रहे शहरी जनसंख्या के करीब 31% लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक परिवारों को फायदा होगा। आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए परागया केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि निबंधन msy.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के आदेश पर 2 घंटा में बना राशन कार्ड। सरकारी सिस्टम सुस्त गति से चलने का आदि है, लेकिन यदि आदेश मुख्यमंत्री का हो तो जिस काम को करने में लोगों को महीना लग जाते हैं वह कुछ ही घंटों में हो जाता है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 2 घंटे बाद गिरिडीह के बिरनी प्रखंड स्थित बराय गांव निवासी इंदिरा देवी को राशन कार्ड जारी कर दिया गया। बता दें कि लाभुक पिछले 8 माह से राशन कार्ड के लिए प्रयासरत थी। निर्धारित मूल्य पर ही खाद बिक्री करे पलामू उपायुक्त। पलामू जिला में यूरिया की कालाबाजारी की शिकायतों पर उपायुक्त शशि रंजन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसे रोकने को लेकर उन्होंने गुरुवार को जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा है कि सरकार द्वारा यूरिया का MRP दर 266.50 रुपया प्रति बैग निर्धारित की गई है, जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया सम्मिलित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा, देश में सूचना और संचार क्रांति का आधार रखने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी को सदैव याद किया जाएगा। खूंटी में अच्छी और समयानुकूल वर्षा से किसान को मदद। पिछले कुछ दिनों से खूंटी जिला में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। भरपूर और समयानुकूल बारिश के कारण खेतों में धान की फसलें लहलहा रही है। जिला कृषि विभाग के अनुसार इस बार काफ़ी अच्छी बारिश हुई, इससे खरीफ की फसल को काफ़ी लाभ मिला है। जिला में अब तक 98% धान रोपनी का काम पूरा हो चुका है। बारिश के मद्देनजर एहतियात बरते DGP। झारखंड के DGP MB राव ने राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही वर्षा और तेज गति से चल रही हवाओं से उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर SSP SP को एहतियात बरतने तथा कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। DGP ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए निर्देश दिया है कि वैसे सभी पुलिस प्रतिष्ठान, थाना, कार्यालय या आवासीय परिसर जिसमें पानी टकराता है और जो काफ़ी पुराने और कमज़ोर हो चुके हैं, उसे इंजीनियर से तत्काल जांच कराकर अगर सुरक्षित नहीं हो तो खाली करवा दे।
बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष मामला। चुनाव आयोग से भाजपा विधायक के तौर पर स्वीकृति मिलने के बाद अब बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता का मामला स्पीकर न्यायाधिकरण में पहुंच गया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने झामुमो को टिकट पर 2019 में विधानसभा चुनाव जीते तीनों विधायकों बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को नोटिस जारी किया है। तीनों को 17 तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। मामले में सुनवाई स्पीकर न्यायाधिकरण में होगी। बस ओनर एसोसिएशन ने कर माफी की गुहार लगाई। झारखंड प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन ने लॉकडाउन के दौरान खड़ी बसों की कर माफी के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को मंत्री ने कर माफी का आश्वासन भी दिया है। झारखंड हाई कोर्ट में ऑफलाइन याचिका दायर शुरू। झारखंड हाई कोर्ट में ऑफलाइन याचिका दायर करने की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। ऑफलाइन याचिका और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए हाई कोर्ट के 3 नंबर गेट पर एक बॉक्स रखा गया है। इसमें याचिका डाली जा सकती है। याचिका डालने के 48 घंटे बाद ही उसे निकाला जाएगा। तनाव कम करने के लिए कसरत करे पुलिसकर्मी एसएसपी। नवीन पुलिस लाइन में गुरुवार को एसएसपी सुरेंद्र झा ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले के सभी डीएसपी और थानेदार को आदेश दिया है कि तनाव कम करने के लिए प्रतिदिन कसरत करें। पुलिस कर्मियों को जितना कम तनाव होगा वे अपनी ड्यूटी उतने ही बेहतर ढंग से कर सकेंगे। हर मजदूर को काम मिले, आराधना पटनायक। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले हर मजदूर को काम मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभाग ने यह जिम्मेदारी सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी है जिससे वह काम की मांग मजदूर मंच के माध्यम से मजदूरों को रोजगार मिले यह सुनिश्चित करेंगे। सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम की मांग की समीक्षा कर रही थी। इस मौके पर मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट व जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं।